ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर? आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। तो खबर जो आई है वो बड़ी चौंकाने वाली है। कहां तो एक तरफ दुनिया में इस्लामिक कट्टरपंथी और चरमपंथी गुट हिजाब पहनने, बुरका पहनने, लोगों के लिबास, उनके घूमने फिरने के तरीके, दाढ़ी रखने जैसी तमाम बातों पर फतवा, नियम या कहें आदेश लागू कर उसे अपनी दहशत के दबाव में लागू करवाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा देश है जो इसके बिल्कुल उलट फैसला ले चुका है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह कोई आम देश नहीं बल्कि एक मुस्लिम बाहुल्य देश है जो घिरा है चीन, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान से भी। जी हां, हम बात कर रहे हैं ताजिकिस्तान की और यहां लिए गए अहम फैसलों की। दरअसल मुस्लिम बहुल देश ताजिकिस्तान ने अपने यहां पर हिजाब और अन्य धार्मिक कपड़ों के पहनने पर ही पाबंदी लगा दी है। बीते 30 सालों से ताजिकिस्तान के सत्ता में काबिज राष्ट्रपति इमोमाली रहमान का मानना है कि धार्मिक पहचान देश के विकास में बाधक है और इसी साल जून में सरकार ने यह कानून लागू किया था। लेकिन अब इस पर अमल बड़ा सख्ती से शुरू कर दिया गया है। राष्ट्रपति अपने देश में पश्चिमी जीवन शैली को बढ़ावा देने में जुटे हैं। ताजिकिस्तान की सरकार ये कह रही है कि इस प्रतिबंध का उद्देश्य अपनी राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना है। इससे अंधविश्वास और उग्रवाद से लड़ने में मदद मिलेगी। बता दें कि ताजिकिस्तान उत्तर और पश्चिम में किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, पूर्व में चीन और दक्षिण में अफगानिस्तान जैसे देश के बीच बसा एक देश है जिसके प्रधानमंत्री कोखीर रसूल जोदा हैं जो कि 2013 से ही काबिज हैं, जबकि राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन हैं और 1994 से इस पद पर बने हुए हैं। ताजिकिस्तान की सरकार कट्टरपंथ को सबसे बड़ा खतरा मानती है। सरकार का मानना है कि उपायों से कट्टरवाद से लड़ने में मदद मिल पाएगी। बीते कुछ सालों की बात करें तो ताजिक नागरिकों ने आईएसआईएस खूब ज्वाइन किया। इसी साल मार्च में मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल पर जो आतंकी हमला हुआ था इसमें ताजिक नागरिकों के शामिल होने के सबूत मिले थे। हमले में 140 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। उधर 2017 में ताजिकिस्तान के धार्मिक मामलों की समिति ने यह भी बताया कि एक साल में देश में 1938 मस्जिदों को बंद किया गया। इसके अलावा मस्जिदों को चाय की दुकानों, चिकित्सा केंद्रों में तब्दील किया गया। 2014 में 200, 2015 में 1000 और 2018 में आईएसआईएस में शामिल होने के खातिर सीरिया और इराक जाने वाले ताजिकों की संख्या 1000 के आसपास थी। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति रहमान कह रहे हैं कि उनका उद्देश्य ताजिकिस्तान को लोकतांत्रिक, संप्रभु, कानून आधारित और धर्म निरपेक्ष देश बनाना है। उन्होंने लोगों को अपने दिल में ईश्वर से मोहब्बत करने की सलाह दी है। 2020 की जनगणना की अगर बात की जाए तो यहां पर 96% आबादी मुस्लिम है, लेकिन वहां की सरकार इस्लामी जीवन शैली और मुस्लिम पहचान को धर्म निरपेक्ष के लिए चुनौती मान रही है। 1994 से सत्ता में काबिज इमोमाली रहमान दाढ़ी बढ़ाने पर भी रोक लगा चुके हैं। इसके इन प्रतिबंधों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो सजा भी होती है और भारी जुर्माना का भी लोगों को सामना करना पड़ जाता है। साल 2007 से यहाँ की सरकार स्कूलों और 2009 से सार्वजनिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा चुकी थी, लेकिन अब कोई महिला देश में अगर कहीं भी हिजाब या कपड़े से सिर अगर ढकी हुई पाई जाती है तो ऐसा नहीं कर सकती। देश में दाढ़ी रखने वालों के खिलाफ कानून तो कोई नहीं बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद दाढ़ी जबरन काट दी जा रही है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि किसी ने अगर प्रतिबंधित कपड़ा पहन रखा है तो भारी जुर्माने का सामना भी उसे करना पड़ सकता है। अगर माता पिता ने अपने बच्चों को मान लीजिए कि धार्मिक शिक्षा हासिल करने के लिए या नहीं तो विदेश भेज दिया तो उन्हें भी दंडित किया जाएगा। 18 साल से कम उम्र के बच्चे बगैर इजाजत के मस्जिदों में नहीं जा पाते। यहाँ पर ईद उल फितर, ईद उल अधा जो है इस पर बच्चों के उत्सव पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। दरअसल ये सुन्नी मुस्लिम बहुल देश बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर हिजाब और दाढ़ी रखने को विदेशी संस्कृति माना जाता है। 2 साल पहले ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में काले कपड़े के बेचने पर भी प्रतिबंध लगाया जा चुका है। तुर्की के दैनिक साबा की रिपोर्ट ये बताती है कि 18 साल से कम उम्र के किशोर शुक्रवार की नमाज में हिस्सा नहीं ले सकते। 2015 में ताजिकिस्तान के धार्मिक मामलों की राज्य समिति 35 साल से कम उम्र के लोगों के हज यात्रा पर जाने पर भी प्रतिबंध लगा चुकी है। वैसे फैसले से आपको क्या लगता है, ये जो ताजिकिस्तान की सरकार ने ये कदम उठाया है क्या ये सही है? क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि धार्मिक कपड़ों पर ही प्रतिबंध लगा दिया जाए, कोई पहन ही नहीं सकता, काले कपड़े नहीं बिक सकते यहाँ पर? और अगर कोई हिजाब पहनना चाहता है तो भी क्या उस पर प्रतिबंध लगा देना ठीक है? कोई दाढ़ी रखना चाहता है तो क्या उसकी दाढ़ी काट देना ठीक है जबकि कोई नियम नहीं बना है?
ये बात सही है कि यहाँ से बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो ISIS ज्वाइन करने गए हैं और ये एक बड़ी परेशानी ताजिकिस्तान सरकार के लिए बनी हुई थी और इसलिए शायद सरकार ने फैसला ये शायद लिया है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, आपका क्या मानना है इसको लेकर, आप ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट के माध्यम से। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।